बड़ी खबर दौसा जिले से आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दें कि रामगढ़ पचवाड़ा पुलिस की सतर्कता ने 3 हत्यारे लोगों को दस्तयाब किया। थाना रामगढ़ पचवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। पुलिस ने संदिग्ध होने पर स्कॉर्पियो गाड़ी का पीछा किया। बिना नंबर के स्कॉर्पियो व ब्लैक शीशे होने पर पुलिस को गाड़ी पर संदेह हुआ था। पुलिस ने दिल्ली मुंबई हाईवे के नीचे गांव सलेमपुरा में बिना नंबर की गाड़ी का राउंड अप किया। स्कॉर्पियो का आगे का टायर ब्लास्ट होने से पुलिस ने तीनों आरोपियों को दबोच लिया है। पुलिस को गाड़ी की तलाश करने पर मिली डेड बॉडी। मृतक विशाल निवासी उमाड़ा जिला सीकर के परिजनों को पुलिस ने सूचना भी दी है। पुलिस को गाड़ी में मिले 18,43,500 रुपये। थाना रामगढ़ पचवाड़ा पुलिस ने शव को रखवाया उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में। थाना रामगढ़ पचवाड़ा पुलिस की आरोपियों से अभी पूछताछ जारी है। दृष्टया में मामला क्या है? प्रथम दृष्टया में मामला हत्या का प्रतीत होता है। ये सुबह ही हम गश्त में गए हुए थे, उसी दरमियान हमें ये गाड़ी संदिग्ध नजर आई और कच्चे में बीडब्ल्यू की तरफ जाती हुई देखी तो हमने प्राइवेट वाहन से मैं टीम के पीछा किया तो वहाँ से वापस इन्होंने गाड़ी बैक करके और हमारे इशारे की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और बड़े फास्ट गति से लेकर के और लाल शॉर्ट रूट की तरफ जा रहे थे, जिनका फिर बाद में हमने कंट्रोल रूम और सभी जगह इन्फॉर्मेशन करके नाकाबंदी करवाई। हमने इस गाड़ी का पीछा किया तो रालास के पास रुकवा कर चेक किया तो उसमें टायर बस्ट हो गया, तो ये गाड़ी टायर की वजह से धीरे चली। हमने इसे रुकवाया तो इसमें 3 संदिग्ध आदमी मिले, महेंद्र, दूसरे का नाम भी महेंद्र है और एक का नाम सुखदेव है, केंद्र है, और उनको जैसे ही हमने पूछा तो हड़बड़ा गए और गाड़ी को भगाने का कारण पूछा तो संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। हमने गाड़ी को चेक किया तो उसमें एक पीछे एक व्यक्ति लेटा हुआ मिला जो बिल्कुल ही मृत अवस्था में था और गाड़ी को चेक किया तो उसमें 18,43,500 रुपये नकदी मिली, जिन्हें लेकर हम थाने पर आए। तो ये घटना बगरू थाने इलाके की है, जो SHO बगरू और इनके मृतक के परिजनों को सूचित किया जा चुका है, वो कार्रवाई के लिए आ रहे हैं। उच्च अधिकारियों को भी निवेदन किया जा चुका है और विशाल चौधरी की डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवाया है।